स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए. एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और कैरोल ग्रीडर। बी. विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुंड। सी. जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। डी. पॉल नज और टिम हंट। आंसर बी. विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुंड। एक्सप्लेनेशन, 7 अक्टूबर 2024 को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुंड को माइक्रोआरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? ए. उत्तर प्रदेश। बी. बिहार। सी. झारखंड। डी. छत्तीसगढ़। आंसर सी. झारखंड। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। केंद्र और राज्य के सहयोग वाली इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की? ए. उत्तर प्रदेश। बी. महाराष्ट्र। सी. हरियाणा। डी. असम। आंसर डी. असम। एक्सप्लेनेशन, असम राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए वजीफा योजना निजुत मोइना की शुरुआत की है। इसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान की जा रही है। उच्च माध्यमिक के लिए 1,000 रुपए, डिग्री के लिए 1,250 रुपए और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2,500 रुपए की पहली किस्त एक राज्यव्यापी कार्यक्रम में वितरित की गई। अगला प्रश्न, आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया? ए. योगी आदित्यनाथ। बी. केशव प्रसाद मौर्य। सी. आनंदीबेन पटेल। डी. नरेंद्र मोदी। आंसर ए. योगी आदित्यनाथ। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के दौरान महाकुंभ आगामी 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। इस लोगो में धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दर्शाया गया है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए. स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टाइन। बी. जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन। सी. एलन ट्यूरिंग और रिचर्ड फाइनमैन। डी. पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी। आंसर बी. जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन। एक्सप्लेनेशन, इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन को प्रदान किया गया, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। इस सम्मान के साथ उन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, लगभग 8.3 करोड़ रुपए की नकद राशि भी प्रदान की गई है।